अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे कि वजीहा किचन में ये नई आवाज कौन सी है। मेरा नाम मोहित हामिद है। वजीहा मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत है, मेरे दो बच्चों की माँ, और इत्तेफाक देखिए कि मेरी वाइफ भी है, मैं उनका हस्बैंड, और आज किचन पे मेरा कब्जा है। आज का जो प्रोग्राम है, हम एक आपको ऐसी रेसिपी दिखाएंगे जो हमारी एक ट्रेडिशनल डिश है, आप में से अक्सर लोगों ने इसको खाया होगा, चखा होगा, मीठी डिश है, इसको हम डलियां कहते आ रहे हैं बचपन से। इस डिश को मैंने अपनी माँ से सीखा, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपनी माँ से सीखा था, और जाहिर है कि उन्होंने अपनी माँ से सीखा होगा, यानी मुख्तलिफ जनरेशंस में ये मीठी डिश जो है ये चली चली आ रही है। तो वजीहा ने आज फरमाइश की कि वजीहा किचन में आज मैं आपको एक डिश सिखाऊँ या बताऊँ कि कैसे बनती है। इस डिश में जो इन्ग्रीडियंट्स डलते हैं, जो अज्जा हैं, वो सबसे पहले ग्राम फ्लोर है, बेसन, चीनी है, शुगर, घी है, और कार्डमम यानी इलायची, छोटी इलायची। आप देखेंगे कि इंतहाई सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो हमेशा हमारे किचन में मौजूद रहते हैं, उनसे एक बहुत ही लजीज और एक बहुत अच्छा मीठा कैसे तैयार हो सकता है, जो कि बहुत से दूसरे मीठों से मुख्तलिफ भी होगा और टेस्ट में भी बहुत अच्छा नजर आएगा आपको। तो हम स्टार्ट में आपको मैं सिर्फ इन अज्जा की जो पोर्शन हैं, प्रोपोर्शन हैं, वो बताता चलता हूँ कि टू या वन, अगर आप वन कप की रेसिपी बना रहे हैं तो सब चीज़ें वन कप डलेंगी। मसलन अगर आपने बेसन यानी ग्राम फ्लोर वन कप लिया है तो चीनी भी वन कप लेंगे और घी भी वन कप लेंगे। याद रहे कि ये मेजरमेंट्स एग्जैक्ट होनी चाहिए, अगर इसमें कोई भी तब्दीली करेंगे तो एंड प्रोडक्ट जो है, यानी जो डलियां हैं, वो शायद उस तरह की ना बने, या वो बहुत सख्त हो जाएंगी या फिर बहुत नर्म हो जाएंगी। इन दोनों सूरतों में जो प्रोडक्ट है वो मज़ा नहीं देगी जो उसको होना चाहिए। तो सबसे पहले चीनी मैंने दो कप ली है, बेसन यानी ग्राम फ्लोर ये भी मैंने दो कप लिया है, और घी जो है ये भी मैंने दो कप ही लिया है। जो कार्डमम है, छोटी इलायची, ये आप अपनी पसंद से तीन या चार डाल सकते हैं, मैंने हाथ से तोड़ ली है, और इनको आपने क्रश नहीं करना क्योंकि इनका टेस्ट, इनकी स्मेल जो है डलियों में, अगर आप इस फॉर्म में डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी आएगी। तो चलें सबसे पहले स्टेप पे चलते हैं, यानी स्टेप वन। सबसे पहले हम जो पैन है उसको हल्का सा प्री हीट किया हमने, और उसके बाद सिर्फ वन या टू टेबल स्पून घी के डाले। अब इसमें हम जो हमने प्री मैयर की थी दो कप ग्राम फ्लोर, आपने देखा कि बिल्कुल ड्राई पाउडर है ग्राम फ्लोर, और हल्का सा हमने घी डाला इसको सिर्फ। अभी जो हमारा मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि इसको हम हल्का सा कुक कर लें, और जब ये भूना जाएगा तो इसमें से एक बड़ी अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो ये सबसे पहला स्टेप जो है वो दो कप ग्राम फ्लोर जो कि हम भून रहे हैं हल्के से घी के साथ ओपन पैन में। याद रहे कि जो स्पून हम यूज़ करें वो थोड़ा मजबूत स्पून होना चाहिए, और इसीलिए शायद ये रेसिपी जब भी बनती है तो वजीहा मुझे ही कहती है कि ये बनाएं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जान लगती है। अगले स्टेजेस पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब इसको हम कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा इसको स्टेयर करना पड़ता है, और बड़े कॉन्स्टेंटली इसको देखते रहना पड़ता है, वॉच करना पड़ता है। ये ऐसी डिश नहीं है कि जिसको आप चूल्हे पर रख के और जाके अखबार पढ़ते रहें और ये बन जाएगी, इसको आपको कॉन्स्टेंटली कुक करना पड़ेगा। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो थोड़े से लम्ब्स बन रहे हैं इनको आप ब्रेक करते जाएं साथ साथ, क्योंकि जब घी ग्राम फ्लोर के साथ मिक्स होता है तो वो लम्ब्स बनाना शुरू करता है, और वो फिर अच्छी कुकिंग नहीं होगी। या शुरू में थोड़ी सी तेज़ आँच पे और उसके बाद हल्की करने के, हल्की आँच मतलब बिल्कुल बहुत हल्की भी नहीं, लेकिन उसको आंच को आपने मीडियम उस पर रख के इसको करते जाना है। अगर आप इसको हिलाते नहीं जाएंगे तो ये जल जाएगी। तो ये जो स्टेरिंग है ये कॉन्स्टेंट हो, तेज हो, और लम्ब्स को ब्रेक करते जाएं, क्योंकि ये बिल्कुल खुश्क ग्राम फ्लोर है,
बेसन है तो ये बहुत जल्दी जल सकता है, अगर जलता है तो नीचे से ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, आपको स्मेल से पता चल जाएगा और वो स्मेल फिर आपकी गलियों में यानी एंड प्रोडक्ट में भी जाएगी। अक्सर जब हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आते हैं तो बाकी किचन वजीहा का, और जब मीठे की बारी होती है तो ये डिश मुझे दे दी जाती है कि आप बनाएं। आई होप कि आज भी ये ठीक बन जाए। पुराने वक्तों में जब लोग सोना बनाने की तरकीबें सोचा करते थे तो कहते थे एक आंच की कसर रह गई इसलिए सोना नहीं बन सका, तो ये डलियां जो हैं इनमें भी बार दफा एक आंच की कसर रह जाए तो या तो ये बहुत हार्ड हो जाती हैं या फिर बहुत नरम बर्फी की तरह बन जाती हैं। तो हमने ना इसको बहुत हार्ड करना है और ना बहुत नरम, हमने उसको इन बिटवीन रखना है। अब आपने देखा कि ये हल्की सी ब्राउन हो गई है, पहले वाइटिश से था, हल्का ब्राउन होता जा रहा है, से साथ साथ बहुत अच्छी एक एरोमा इसका पूरी किचन में पूरे घर में आ जाता है कि कुछ अच्छा बन रहा है घर में। अब देख रहे हैं कि हमने अभी ग्राम फ्लोर उसको भूना था पैन में, उसको हमने निकाल लिया है एक ओपन ट्रे में, स्टील की ट्रे है क्योंकि ये बहुत गर्म है इसलिए जब आप इसमें निकालेंगे तो ये हीट को अब्सॉर्ब कर लेगा, ख़राब नहीं होगा। अगर प्लास्टिक की ट्रे लेंगे तो इसमें मुश्किल हो जाएगी। ये ट्रे हम थ्रू आउट द प्रोसेस थर्ड स्टेप में भी यूज़ करेंगे क्योंकि जो डलियाँ बन के तैयार होंगी वो इसी में निकाली जाएंगी। अब स्टेप टू में हम शीरा तैयार करेंगे यानी शुगर सिरप, जिसमें चीनी, घी और थोड़ा सा पानी, और ये प्रोपोर्शंस जो हैं ये आपकी गट फीलिंग जो आपको है उसके ऊपर भी आपने देखना है कि कहाँ पे हम आगे ठहरे। जो घी हमने आपने देखा था कि हमने 2 कप घी हमने निकाला था, उसमें से कुछ पोर्शन हमने यूज किया था भूनने में, जो पीछे बच गया उसमें से आधा पोर्शन हम यूज कर रहे हैं शीरा बनाने के लिए, और बाकी का आधा आपको मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा कि वो कहाँ पे यूज होगा और कैसे यूज होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि घी थोड़ा सा पिघल रहा है, इसमें अब मैं 2 कप चीनी जो हमने निकाली हुई थी वो हम डाल रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा स्टेट कर लेंगे ताकि चीनी और घी थोड़ा से मिक्स हो जाए। अब 1/4 ग्लास से भी कम पानी हम इसमें डाल रहे हैं। जब हम पानी नहीं डालेंगे और घी और चीनी तो वो चीनी जलना शुरू हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है चीनी का वो रिलीज हो जाए और ये इस तरह की फॉर्म इख्तियार करता जाए। याद रहे कि अभी भी आंच जो है वो बहुत तेज नहीं है और बहुत हल्की भी नहीं है, इसको साथ साथ स्टर करना है। अगर आप स्टर नहीं करेंगे तो अगेन चीनी जल सकती है, नीचे से बर्न होके कैरामलाइज हो जाएगी जो कि आपके इस शुगर सिरप को खराब कर देगी। अगर टाइम वाइज देखा जाए तो ये सारी रेसिपी बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो रही है, जिस तरह आपने देखा होगा 5 to 10 minutes में हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया था जो हमने कार्डमम यानी छोटी इलायची तोड़ी थी, वो मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ इसी पेस्ट में। बड़े गौर करने की जगह ये है कि ये पेस्ट जब तैयार हो जाता है तो इसकी एक ख़ास शक्ल होती है। आप देख रहे हैं कि ये वाइट कलर के बबल्स बन रहे हैं, ये बबल्स पहले थोड़े थोड़े होते हैं और उसके बाद ये बबल्स ज़्यादा होते जाते हैं, आप कॉन्स्टेंटली स्टर कर रहे हैं इसको, और ये बबल्स जो हैं ये बढ़ते बढ़ते पूरे पैन में जब कंप्लीट हो जाएं तो समझें कि आपका शीरा तैयार है। और साथ ही आपने इसको सेट नहीं होने देना, इसको हिलाते जाएं और अगले स्टेप की तरफ आप आ जाएं कि इसमें जो आपने बेसन को भूना था उसको आपने इसमें शामिल कर दिया और अब आप इसको स्टर कर रहे हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया था कि जान लगाने वाली बात जो है वो यहाँ पे
पूरी होती है कि इस सारे मामले को हैंडल करने के लिए थोड़ा कॉन्स्टेंट पे रहें। अब जो पीछे घी बच गया था हमारा, 2 कप घी हमने लिया था, उसमें से हमने 2 या 3 टेबल स्पून ग्राम फ्लोर में डाले थे और उसको भून लिया था। बाकी में से 1 कप तकरीबन हमने उसका शुगर पेस्ट बनाया था, और उस शुगर पेस्ट में अब हमने जो ग्राम फ्लोर पहले से भून के अलग रखा हुआ था उसको हम डाल के हम स्टिर कर रहे हैं। साथ के साथ इस अमल में जो घी हमने निकाला हुआ था बिल्कुल इसको स्टिर करते करते साथ साथ हम वो घी भी ऐड करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और यहाँ इतने वक्त तक के वो पूरा घी जो है इसमें शामिल हो जाए। याद रहे कि अगर घी की क्वांटिटी कम होगी तो ये ज्यादा हार्ड बनेंगी, और अगर घी की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट बन जाएंगी। बेसन जो है वो 2 कप है, तो चीनी भी 2 कप, आप 2 से थोड़ा कम कर सकती हैं चीनी अगर आप मीठा ज्यादा तेज पसंद नहीं करते। और घी भी जो है वो 2 कप होना चाहिए। इसी तरह अगर आप 1 कप का बना रहे हैं तो ये सारे प्रोपोर्शंस कम होके 1 कप पे आ जाएंगे। अमूमन इस स्टेज पे मैं वजीहा की मदद लिया करता हूँ कि एक हाथ से अगर आप स्टर कर रहे हैं और घी दूसरे हाथ से डालना है तो तीसरा हाथ फिर जो है वो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। ये डिश एक ऐसी डिश है जिसको बनाते हुए आप मोबाइल फोन नहीं इस्तेमाल कर सकते। आपको इस डिश के ऊपर ही फोकस करके जान लगानी पड़ती है। अब जो सिर्फ थोड़ा सा घी रह गया है वो भी मैं सारा इसमें शामिल कर रहा हूँ। याद रहे कि इसमें ऐसी भी कबाहतें नहीं है इस डिश के बनाने में कि बार बार आपको साफ बर्तन इस्तेमाल करने पड़ रहे हो या पैन बार बार धोना पड़ रहा हो। एक पैन हमने उसमें बेसन को फ्राई किया था, वही पैन हमने शुगर सिरप तैयार करने के लिए यूज किया, और उसी में हमने दोबारा उस बेसन को डाल के तीसरा स्टेप भी उसी में हो रहा है। वो जो मैंने सोनार वाली बात की थी कि पुराने वक्तों में जो लोग सोना बनाते थे कहते थे एक आँच की कसर रह गई इसलिए सोना बनने से रह गया। डलियों में ये वो वक्त है जब एक आंच अगर ज्यादा हो जाए तो ये पाउडर बन जाएगा, और अगर थोड़ा जल्दी उतार लें तो ये बहुत सॉफ्ट रह जाएगा, यानी वो शेप नहीं आएगी जो आप इसको देना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये जाली बन गई है इसकी, यही इसकी पहचान है। इसको आप डिश आउट कर लें, इसको आप घुमाएंगे तो क्योंकि ये अभी गर्म है तो ये आहिस्ता आहिस्ता फैलता जाएगा, और जितना ये फैलेगा उतनी ज़्यादा डलियाँ इससे आप कट आउट कर सकते हैं। क्योंकि हमने इसको 5-1 मिनट ठंडा करने के लिए रख छोड़ा था। आप इसको कट करने के लिए सिंपल नाइफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं थोड़ा इसको जदीद तरीके से काटूंगा, पिज़्ज़ा कटर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए। इसको आप किसी भी एंगल से शुरू कर सकते हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा और करते हैं, फिर हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे ताकि पता चले कि ये कैसा बना है। देखने में तो मुझे यूं लग रहा है कि ये ठीक बन गया। तो आप देख रहे हैं कि ये कटिंग के बाद इसके अंदर जो टेक्सचर है वो नज़र आ रहा है आपको कि ये बिल्कुल परफोरेटेड सी सा मटेरियल है, ये बिल्कुल थिक डो नहीं है, ये फूल चुका हुआ है पकने से, और इसके अंदर सिंपल इंग्रेडिएंट्स ने एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्प शेप अडॉप्ट कर ली है। तो ये है जनाब फाइनल डिश, इसको हम दलियाँ कहते हैं, आप इसको टुकड़ियाँ भी कह सकते हैं, आप इसको मिठाई भी कह सकते हैं, बेसन की मिठाई भी कह सकते हैं। तमाम ख्वातीन के लिए जो कभी कभार हमारे घर में आके ये खा चुकी हैं और मुझसे बार बार पूछा गया कि इसकी रेसिपी बताई जाए, तो उम्मीद है कि इसकी रेसिपी आज आप लोगों से शेयर हो गई है। इसको ज़रूर ट्राई करें, इसका टेस्ट मैं दिखा नहीं सकता, सिर्फ खा के मज़े लेके बता सकता हूँ कि बहुत मज़ेदार बनी है। गरम गरम खाने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब ये आप इसको स्टोर कर सकते हैं मर्तबान में डाल के किसी
डब्बे में डाल के आप इसको स्टोर कर सकते हैं। इसको फ्रिज की भी जरूरत नहीं है, आप कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। इसको जरूर ट्राई करें और इस चैनल को वजीहस किचन को शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि जितनी भी नई नई रेसिपीज हैं वो आपको मिलती रहे और आप उनको एंजॉय करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया।